सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो जैसा आप लोग जानते हो कि एमटीपी आउट हो चुकी है, MTP 1 आउट हो चुकी है और सेकंड तो अभी चल रही है जो कि कुछ दिनों में आउट हो जाएगी। तो गाइस, एमटीपी आने के बाद ना एक कोहराम सा मच गया। आप लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि अमित भाई अमित भाई अमित भाई, ऐसी एमटीपी आई है, 10 10 नंबर के हमारे पास तो ऐसे एमसीक्यूज, इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज। बाबा ये इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज, वो भी हमारे प्रैक्टिकल पेपर्स में, ऐसा क्या हो सकता है? अरे उन्होंने किया कुछ भी नहीं, उन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चन को एमसीक्यू बना दिया और आप लोगों से पूछ लिया। और आप लोग बोले अमित भाई इंटीग्रेटेड हो गया, इंटीग्रेटेड और तेरी इंटीग, अरे ऐसा कुछ भी ना है बाबा। आसान क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ जो आज तक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता था उन्होंने उसको एमसीक्यू बना दिया और कुछ भी नहीं किया। आज हम और आप मिलके साथ में ये पूरी की पूरी एमटीपी सॉल्व करने वाले हैं। एंड गाइस, हम एमटीपी सॉल्व करेंगे आपके अमित भाई के स्टाइल में। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? एग्जैक्टली, जितने फन से हम क्लासेस में पढ़ते थे ना, जितने प्यारे तरीके से अपन कॉन्सेप्ट्स करते थे, इन क्वेश्चंस को और उसके साथ वाली कॉन्सेप्ट्स को भी जो मैंने आपको लिखवा रखा है, अपन साथ में देखेंगे और उसको खत्म करेंगे कि गाइस अपनी क्लास का मजा सबको भी देके दिखाया जाए ना। डन, चलो तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एमटीपी। एमटीपी को सॉल्व करेंगे, लिख लिख के सॉल्व करेंगे सारी एमटीपी को और देखेंगे कि बाबा कहां से क्या कैसे पूछा गया है। गाइस, एक चीज पर हमेशा मान के चलना, आपका जो एक्चुअल पेपर होता है, जो भी आपका एक्चुअल पेपर आईसीए सेट करती है, उसका लेवल एमटीपी से हल्का सा ऊपर होता है। तो अगर आपको एमटीपी आसान लगे तो ये सोच के बिल्कुल मत बैठ जाना कि अमित भाई एमटीपी आसान तो मतलब पेपर तो और आसान ना, पेपर इससे हल्का सा ऊपर आएगा। पर अगर आप इस पेपर में एमटीपी सॉल्व करने के बाद अराउंड 80 90 मार्क्स आराम से सॉल्व कर पा रहे हो, तो हल्की सी प्रैक्टिस और कर लोगे तो एग्जाम्स में भी 80 और 90 में स्कोर करके आ सकते हो। गाइज, अगर मार्क्स आपके ड्रीम मार्क्स हैं तो तैयारी भी आपकी ड्रीम वाली तैयारी होनी चाहिए ना। डन डन, तो आ जाओ गाइज, अब बिना टाइम वेस्ट करते हो हम एक एक करके एमसीक्यू उसके साथ ही स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना और पूरी एमटीपी फटाफट से सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं भाई साहब ने क्या दिया है। पहला 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 क्वेश्चन, आ आ आ आ ओहो, पहला क्वेश्चन आपका आया है प्रोसेस कॉस्टिंग में से। अब देखते हैं कैसी इंटीग्रेटेड केस स्टडीज है। बच्चों ने मेरे को बोल बोल के डरा दिया भाई, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड। चलो देखते हैं। बोलते अमित भाई, अर्नब लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है केमिकल सॉल्यूशंस जो कि पेंट और एडहेसिव में यूज किए जाते हैं। ओके बाबा, केमिकल सॉल्यूशंस प्रोड्यूस किए जाते हैं डिफरेंट प्रोसेस में, अलग अलग प्रोसेस में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है बाबा, सम ऑफ द प्रोसेस आर हजार्डस इन नेचर विच में रिजल्ट इन फायर एक्सीडेंट्स। मतलब एक जो केमिकल बन के आता है वो दो तीन प्रोसेस से होके गुजरता है। हमने पहले ही पढ़ा था कि प्रोसेस कॉस्टिंग में हम वो वाले अकाउंट्स बनाते हैं जब कोई एक प्रोडक्ट बहुत सारी प्रोसेस से होके गुजर रहा होता है। डन, एट द एंड ऑफ लास्ट मंथ एक आग लग गई। पूरी बाबा, रुको रुको, आग लगा दूं मैं यहाँ पे जरा, ये लग गई आग, अरे बाप रे, तहलका। एंड डिस्ट्रॉइड सम ऑफ द पेपर फाइल कंटेनिंग द रिकॉर्ड। और बोलता है भैया कुछ पेपर फाइल्स थे जिसमें अपने पास डिटेल्स थे, वो बर्बाद हो गए। मैंने बोला चलो भाई कोई बात नहीं, देखी जाएगी। बोलता है आप एक एसोसिएट चीफ मैनेजर हो विच आर असाइंड टू प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट, और आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है। मैंने बोला ठीक है बाबा। ओपनिंग WIP कितनी दे रखी है, 500 लीटर, 80% लेबर इसका कंप्लीट है, 60% ओवरहेड इसका कंप्लीट है। गाइस, जिस जिसने मेरे से, आप लोगों ने फास्ट ट्रैक बैच भी ले रखी है एग्जाम ओरिएंटेड, वो देखते ही समझ जाएंगे कि आपकी लास्ट क्लास में एग्जाम ओरिएंटेड की प्रोसेस कॉस्टिंग की लास्ट क्लास में मैंने सबसे लास्ट या सेकंड लास्ट यही क्वेश्चन कराया था। और मैंने बोला WIP का ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना चाहोगे रुको मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये भी बता दूं कि एमटीपी के सारे क्वेश्चन हमारे कराए हुए क्वेश्चंस में से उठ के ही आए हैं। जो आपको लगे कि अमित भाई क्या बात कर रहे हो, एग्जैक्टली, देखो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। ये रहा प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर अपन ने लास्ट कौन सा कर रखा था, लास्ट किया था 22, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 में स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स और हमारे पास क्वेश्चन है ये। देखो गाइस, इसमें मैंने क्या बोल रखा था कि बाबा आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, फीफो मेथड का यूज करते हो और फायर ऑकर होने के बाद हमारे कुछ पेपर डिस्ट्रॉयड हो गए। ये उठाया क्वेश्चन कहाँ से, RTP में 18 से, जो मैंने अपनी बुक में ऑलरेडी दे रखा था। गाइस, मैं भी कोई क्वेश्चन अपने अंदर से जन्म करके नहीं लाता, आईसीए ने जहां जहां से पूछ रखा है, पुरानी RTP में 18 तक के क्वेश्चंस हमारे पास थे। तो
सब कुछ वैसा ही कि बाबा फीफो मेथड का यूज करो, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी ये रही 800 लीटर, 70% कंप्लीट, 60% कंप्लीट, ये रही कॉस्ट। और बोलेगा यहां पे क्वेश्चन ने क्या दिया था, देखो चार क्वेश्चंस थे, क्वांटिटी निकालो, नॉर्मल लॉस निकाल लो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट। और यहां पे देखो उन्होंने सेम टू सेम टू सेम किधर गो भैया, ये रही, बोलता है कि 60% ओवरहेड्स 500 लीटर था, वहां 800 था, यहां 500 कर दिया, 500 लीटर, 80% लेबर कंप्लीट, ओवरहेड्स कंप्लीट, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की वैल्यू भी डाल दी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी हमें दे दी, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ फ्रेश इनपुट दे दिया, आउटपुट ट्रांसफर भी हमारे पास दे दिया, लॉसेस भी दे दिया कि उसको हमने बेचा है 20 रुपए पे, ऑल रॉ मटेरियल्स आर एडेड एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेस, इक्विवेलेंट कॉस्ट 660 रुपए दे दी, रॉ मटेरियल्स का 300, लेबर का 200, ओवरहेड्स का 160, कंपनी यूजेस द फीफो मेथड, ठीक है। और अब मेरे से देखो वापस से वही क्वेश्चन, बोलता है रॉ मटेरियल निकालो, ठीक है, दो नंबर के लिए यहां पे हमें दे दिया, और यहां पे सेम क्वेश्चन, कैलकुलेट द रॉ मटेरियल, क्वेश्चन वही था, उन्होंने क्या किया बस क्वेश्चन को एमसीक्यू में बदल दिया। बताओ यार आईसीआई एकदम, मतलब उसके बाद नॉर्मल लॉस, रॉ मटेरियल और ये सब बनाने थे, और यहां पे क्या बोलेगा, देखो रॉ मटेरियल निकालो, नॉर्मल लॉस निकाल लो, उसके बाद रॉ मटेरियल कितना ऐड किया वो निकालो, और लेबर और ओवरहेड का क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में कितना वैल्यू वो निकालो, मतलब पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत प्यारे तरीके से क्लास में करवाया था। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना, यहां पे अपन इसको डाल देते हैं, इसकी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एमसीक्यू का 1, क्योंकि आपको पूरी प्रोसेस पता है तो हम फटाफट से ट्राई करेंगे चीजों को बढ़ाने की। मैंने आपको क्लास में क्या बताया था, जब भी हम प्रोसेस अकाउंट पढ़ रहे थे मैंने बोला बाबा प्रोसेस अकाउंट के लिए ना तुम्हें तीन चीजें चाहिए, सबसे पहले आपको बनाना है, सबसे पहले आप बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, उसके बाद आप बनाओगे हमारे पास क्या, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट, डन। देखो हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैसे बनाते हैं, मैंने बोला कि भैया तुमने मोटा मोटी कितनी यूनिट्स बनाई है ना वो अपने को निकालना है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अमित भाई एमसीक्यूज तो वहीं पे टिक करने होते हैं तो क्या कॉपी में लिख के बनाएंगे, एग्जैक्टली बाबा तुम्हें कॉपी पे लिख के बनाना है ना, ये सारी चीजें कॉपी पे लिखनी पड़ेंगी और लिख देना वहां के लिए, एमसीक्यूज के लिए अपन ने कर रखी है इसको, डन डन। अरे ये मैंने क्या लाइन खींच दी बोलते बोलते, आओ सबसे पहले देखो मैंने आपको बोला था लिख लो भैया आपने क्या क्या चीजें इनपुट्स में डाली हैं, इनपुट्स की अपन बात करते हैं। अमित भाई क्वेश्चन ओपन कर लो, मैं क्वेश्चन ओपन कर लूं फटाफट से। मैं इनपुट्स में क्या क्या चीजें लेके आया, क्वेश्चन में दे रखा है कि आपने ओपनिंग डब्ल्यू आई पी डाली है कितना, 500 लीटर। ओके बाबा हमने ओपनिंग डब्ल्यू आई पी डाली है 500 लीटर, ओके डन, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी 500 लीटर, परफेक्ट गाइस परफेक्ट, 500 लीटर डन। अब बताओ मैंने और भी इनपुट्स डाला था, रॉ मटेरियल फ्रेश वाला, फ्रेश रॉ मटेरियल डाला था, उसकी डिटेल्स दे रखी है, नहीं दे रखी, अरे नहीं दे रखी तो आगे बढ़ो कोई बात नहीं, जितनी डिटेल्स मैं बोलता था अवेलेबल है, तुम्हें फॉर्मेट याद होना चाहिए, जितनी डिटेल्स अवेलेबल है उतना ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं इनपुट्स के बाद। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट मैंने क्या बोला, फटाफट से लिख दो बाबा यहां पे आउटपुट तुम्हारा, देखना गाइस यहां पे मजा आएगा चीजें बनाने में। सबसे पहले देखो तुमने कितनी 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 कंप्लीटेड यूनिट्स बनाई हैं, आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स वॉज 3400 लीटर, कंप्लीटेड यूनिट्स, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड कितनी, आप सब बोलोगे अमित भाई 3400 यूनिट्स अपन ने बनाई और ट्रांसफर कर दी, मैंने बोला चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखना यहां पे अमित भाई अपने पास क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी पड़ा हुआ है, मतलब जो मेरे पास अभी भी बन नहीं पाया वो है 100 लीटर, मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन साफ साफ आपसे चिल्ला के कह रहा है जज साहब जज साहब जज साहब, मैंने बोला क्या हो गया, हमारे पास टोटल जितना सामान खराब हुआ उसकी डिटेल्स गिवन है, कितना गिवन है कितना गिवन है, बोलता है आपका टोटल लॉस, नॉर्मल लॉस इज 10% एंड द टोटल लॉसेस ड्यूरिंग द मंथ, टोटल लॉस कितना है आपका, नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस,
इसकी डिटेल्स कितनी दे रखी है अमित भाई? इसकी डिटेल्स अपने को दे रखी है टोटल टोटल 800 लीटर की। डन डन। अब गाइज मैंने इसमें आपको जब क्लास में करा था तब भी बोला था कि अमित भाई, अमित भाई क्या क्वेश्चन में कहीं भी एबनॉर्मल गेन की ट्रीटमेंट बता रखी है क्या? एबनॉर्मल गेन के बारे में चर्चा है? नहीं चर्चा है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? हम सब जानते हैं ना भाई, जितना आपने इनपुट डाला होगा उतना ही आपने बाहर निकाला होगा। मतलब भाई, अरे ओहो तुम भी बदमाश। मैंने बोला कि अगर मान लो आपने इनपुट डाला 100, ठीक है, तो मेरे पास इनपुट से क्या क्या बनता है? अपने पास फिनिश्ड गुड्स बनता है, बनता है। नॉर्मल लॉस होता है, होता है। एबनॉर्मल लॉस होता है, होता है। और क्लोजिंग WIP होती है। अमित भाई एबनॉर्मल गेन भी तो कभी कभी होता है ना, पर क्वेश्चन में नहीं दिया तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब देखो, क्या मैं इनपुट की जगह लिख सकता हूं कि मैंने ओपनिंग WIP डाली और रॉ मटेरियल डाल दिया फ्रेश वाला? हाँ अमित भाई लिख सकते हैं ना। चलो, ओपनिंग WIP कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में अपने को? भाई 500 लीटर। मैंने बोला वेरी गुड। रॉ मटेरियल आपने डाला, वो कुछ दे रखा था क्या? भाई रॉ मटेरियल फ्रेश के बारे में तो कोई डिटेल्स नहीं थी, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स की थी? हाँ भाई, 3400 लीटर थी, ठीक है। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की कंबाइंड डिटेल्स दे रखी थी? हाँ भाई, दे रखा था अपने को 100 लीटर। और क्लोजिंग WIP की डिटेल्स दे रखी थी? सॉरी, ये है 800 लीटर और ये था आपका 100 लीटर। हाँ अमित भाई, तो क्या मैं प्यारे तरीके से RM फ्रेश जो आपने इंट्रोड्यूस्ड किया वो निकाल सकता हूँ? हाँ अमित भाई, आराम से निकालोगे। कैसे? 3400 प्लस 800 प्लस 100 माइनस 500 लीटर्स। चलो ट्राई करो फटाफट से इसको बनाने की। ये हो जाएगा 3400 प्लस 800 प्लस 100 माइनस 500 लीटर, आ जाएगा 3800 लीटर्स। डन डन। अब जरा आओ फटाफट से क्वेश्चन में देखो। पहला ही हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस गिवन है कि भैया 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 आपने कितना रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया था? 43 ना, 35 ना, 42 ना। आपने इंट्रोड्यूस किया था फाइनल मटेरियल 3800। आंसर हो जाएगा डी। दैट्स इट, 2 नंबर डन बाबा। आपने, तुम्हें ये लग रहा होगा अमित भाई इतना मेहनत करी 2 नंबर के लिए। अरे बाबा, तुम्हारे पास अगर प्रोसेस का क्वेश्चन आता वो भी 10 ही नंबर का आना था, और तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती उसके लिए भी। चलो नेक्स्ट बोलते हैं अमित भाई, नॉर्मल लॉस कितना है, एबनॉर्मल लॉस कितना है? आओ जरा इधर फटाफट से क्वेश्चन में क्या बोलता है ध्यान से देखना। क्वेश्चन सेज नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू, आंख कान मुंह नाक खुला रख के देखेंगे, 10% किस चीज का? सिर्फ ऑफ फ्रेश रॉ मटेरियल का। क्वेश्चन तुमसे ये भी कह सकता है 10% ऑफ फ्रेश रॉ मटेरियल, 10% ऑफ ओपनिंग WIP, या फिर 10% ऑफ ओपनिंग WIP प्लस फ्रेश रॉ मटेरियल्स। अगर मेरे से क्वेश्चन ने बोला फ्रेश रॉ मटेरियल्स का है तो मैं सीधा सीधा 10% निकाल दूंगा ऑफ 3800। अगर ओपनिंग WIP का बोलता तो ओपनिंग WIP दे रखिए 500, 10% ऑफ 500 निकालता। अगर 10% ऑफ ओपनिंग WIP एंड फ्रेश रॉ मटेरियल बोलता तो 10% ऑफ 3800 प्लस 500 ये निकाल देता। 3800 प्लस 500 इंटू 10% ये निकलता 430। पर क्या क्वेश्चन ने ये निकालने बोला? ना, ये निकालने बोला ना। क्वेश्चन ने बोला कि 10% ऑफ फ्रेश रॉ मटेरियल ही मैंने ले रखा है नॉर्मल लॉस। ठीक है बाबा, तो नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा मेरा? 3800, सॉरी 380। ओके, अब टोटल लॉस को मैं बोल सकता हूं ना, क्वेश्चन में दे रखा टोटल लॉस इज इक्वल टू नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस। ठीक है भैया, टोटल लॉस दिया था मेरे को 800 लीटर का, नॉर्मल लॉस मैंने 380 निकाल लिया, एबनॉर्मल लॉस कितना आ जाएगा? अपना एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा प्यारे तरीके से 420 लीटर। चलो 420 आ गया। आओ जरा देखें, यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या? 380, 420 पहला ही ऑप्शन दिया है, टिक कर दो, आगे बढ़ो। ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर ए। डन क्या अमित भाई? डन 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 डन, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब चलो मैं आगे बढ़ता हूं और देखता हूं। इसके बाद अगर मैंने ये बना दिया
तो यहां पे 800 लिखने की जगह लिख दो ना फटाफट से 380, और यहां पे लिख दूंगा 420, डन। अब क्योंकि हम फीफो मेथड यूज कर रहे हैं ना, बताओ हम फीफो मेथड यूज करें। हाँ भाई अपन फीफो मेथड यूज कर रहे हैं, एक सेकेंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। फीफो मेथड में मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, सबसे पहले कंप्लीटेड अपन करते तो हैं, कंप्लीटेड फ्रॉम फीफो मेथड मतलब पहले जो जो पहले आया वो पहले बनेगा। तो अपन सबसे पहले 500 यूनिट्स ओपनिंग WIP में से उठाएंगे और खत्म करेंगे फ्रॉम ओपनिंग WIP। चलो फीफो मेथड में तुम्हें एक चीज और समझाई थी, क्या फीफो मेथड तुम्हें बस इतना ही बोलेगा इस साल कितनी मेहनत करी, इस साल कितनी मेहनत करी, सिर्फ उतनी मेहनत का तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तो देखो क्वेश्चन बोलता है, अमित भाई अमित भाई मेरा मटेरियल मटेरियल कुछ नहीं गिवन, चलो छोड़ लेबर। बोलता है अमित भाई 60% में 80% मैंने पिछले साल ही मेहनत कर दी थी, ओपनिंग WIP 80% है, तो मैंने इस साल कितनी मेहनत करी होगी, 20%। ओवरहेड्स का बोलता है 60% मैंने पिछले साल ही मेहनत कर दी थी, इस साल कितनी मेहनत करी होगी, 40%। चलो ओपनिंग WIP की 500 यूनिट्स मैंने, 500 यूनिट वहां से लेके आया 500 लीटर और यहां पे खत्म कर दी बना के, ठीक है। तो अब निकालते अपन इक्विवेलेंट, 500 लीटर का 20%, 500 लीटर का 20% या 100 लीटर का 100%, दोनों की वैल्यू तो एक बराबर आएगी ना। 500 लीटर का 20% करोगे तब भी 100 आएगा, और 100 लीटर का 100% करोगे तब भी 100 लीटर आएगा, तो इसीलिए यहां पे इक्विवेलेंट लिखते हैं 500 का 20 यूनिट्स 100 लीटर, और 500 का 40% हो जाएगा अपना 200 लीटर, डन डन। अब चलो आपको मैं एक यहां पे ट्रिक बताता हूं, यहां लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 तो ऊपर कर ही दिया था, इसको वर्किंग नोट नंबर 2 कर देते हैं, इसको लिख देता हूं मैं वर्किंग नोट नंबर 1। वैसे एक बात पता है, क्योंकि आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो ना, तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको वर्किंग नोट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको ABCD के बेसिस पे नंबर देंगे, इसके बेसिस पे नंबर नहीं देंगे। हाँ जब मैं क्वेश्चन बना रहा होता तब मुझे लिखना पड़ता। वर्किंग नोट नंबर 3 क्या है, मैंने बोला था इफ RM परसेंटेज कंप्लीशन इज नॉट गिवन, अमित भाई कैसी राइटिंग लिख रहे हो, इज नॉट गिवन तो क्या करना, टेक इट एज 100%, डन डन। मैंने आपको एक और चीज बोली थी, क्या बोली थी, वर्किंग नोट नंबर 4, इफ इफ परसेंटेज ऑफ एबनॉर्मल गेन ऑब्लिक एबनॉर्मल लॉस इज नॉट गिवन टेक इट एज कितना 100%, पूरा काम 100% पे ले लेना, चलो डन। आओ तो इसका कुछ भी नहीं दिया, नहीं दिया तो मतलब मटेरियल पे पूरा का पूरा 100% काम पिछले साल ही हो गया होगा, हाँ इस साल कितना काम होगा, 0, डन। अब देखो कंप्लीटेड फ्रॉम फ्रेश, तुमने टोटल 3400 यूनिट्स बनाई थी, हाँ जिसमें से तुमने 500 यूनिट बनाई थी ओपनिंग WIP को यूज करके, तो नए वाले में से कितना तुमने यूज कर रखा होगा, नए वाले में से यूज किया होगा 2900, डन डन 2900। अब बताओ 2900 में मटेरियल पे तुमने पूरा काम इसी साल किया होगा, इसी साल किया होगा, पूरा का पूरा इसी साल मटेरियल पे मेहनत करी होगी, ये आ जाएगा 2900। लेबर पे भी पूरे इसी साल मेहनत करी होगी, हाँ इस साल जो तुमने पूरी यूनिट्स बनाई हैं वो तो पूरा मेहनत इसी साल पे आया होगा ना, इस साल पे आया होगा। ओवरहेड्स का भी इसी साल पे मेहनत आई होगी। क्लोजिंग WIP क्या दे रखा है, बोलता अमित भाई 100 लीटर है, मैंने बोला हाँ ठीक है अच्छी बात है। बोलता है कुछ भी नहीं दिया, मटीरियल तो मतलब मैंने 100% मेहनत कर दी होगी, हाँ तो 100 × 100% 100 हो जाएगा। बोलता अमित भाई लेबर बेचारे ने 20% काम किया, तो 100 का 20% 20, और बोलता है अमित भाई ओवरहेड्स वाले ने तो बस 10% काम किया, तो 100 का 10% 10, बात खत्म। अब नॉर्मल लॉस की बात करते हैं, नॉर्मल लॉस की जगह पे तो अपन कुछ भी नहीं लिखते ना, खाली छोड़ते हैं, हाँ अमित भाई खाली छोड़ते हैं,
एबनॉर्मल लॉस की बात करते हैं। एबनॉर्मल लॉस के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं, तो मैंने अभी लिखवाया कि अगर कुछ भी ना दिया हो तो पूरा 100 का 100% मान के चलेंगे। डन डन। 420 420 420। चलो बस अपनी इक्विवेलेंट यूनिट्स निकल के आ जाएंगी। चलो यहाँ पे अपन ने कितना निकाल दिया था, कितना निकाला था फ्रेश, 3800 ना। 3800। चलो इसको भी ऐड कर दो फटाफट से, इसको ऐड करो और फिर उसके बाद इसको ऐड करो लेबर के लिए, और इसको ऐड कर दो हमारे पास ओवरहेड्स के लिए। बताओ कितना बनता है, 2900 +100 +420, 3420। ठीक है, ये भी तो आएंगे, इनको मत भूल जाना। चलो यहाँ पे 100 +2900 +20 +420, 3440। परफेक्ट। और यहाँ पे 200 +2900 +10 +420, 3530। डन डन। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला मैं देख लूं मेरे से एमसीक्यू में मांगा क्या है। अपन से मांगा है रॉ मटेरियल एडेड टू द प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ, कितना रॉ मटेरियल मैंने ऐड किया था ड्यूरिंग द प्रोसेस। अपन ने रॉ मटेरियल 3800 लीटर तो निकाल दिया। हाँ निकाल दिया। उसके बाद रॉ मटेरियल की कुछ कॉस्ट वॉस्ट भी दे रखी है क्या अपने को, देख लू बाबा। बोलता रॉ मटेरियल प्रोसेस में अपन ने कितना डाला, ठीक है वो मैं निकाल दूंगा अभी आप लोगों के लिए। चलो ये अपन ने निकाल लिया। ये निकालने के बाद जस्ट अगला प्रोसेस बनता है, जो बनता है क्या, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। अब देखना बाबा ध्यान से, मैंने बोला प्रोसेस में कभी भी हम यूनिट पे फोकस नहीं करते, हम फोकस करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, मतलब जिनकी मदद से हम लोग अपनी यूनिट्स को बनाते हैं, दैट इज मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड। इसका भी बहुत प्यारा सा फॉर्मेट है, अमाउंट लिख दो यहाँ पे, यहाँ पे लिख दो इक्विवेलेंट यूनिट्स, और डिवाइड करके मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट, इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है बाबा, क्वेश्चन में जरा झांक के देखो, हर बार ये दोनों दिया होता था ये निकालना था, इस बार मेरे को दे रखा है इक्विवेलेंट कॉस्ट, कितनी दे रखी है। बोलता है भाई मटेरियल के लिए है अपने पास 300, लेबर के लिए 200, और यहाँ पे 160। चलो इक्विवेलेंट यूनिट्स तो अपन ने निकाल ली थी ना, 3420 3440, 3420 3440, 3530। डन डन। आज तक हम कैसे निकालते थे, मैं आपको बोलता था ए डिवाइडेड बाय बी कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो तो हमारे पास इक्विवेलेंट कॉस्ट आ जाएगी। अब मैं क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंट पर यूनिट्स और कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आराम से वैल्यू आ जाएगी। चलो निकाल लो, 3420 × 300, 10,26,000, 10,26,000। यहाँ आ जाएगा 3440 × 200, 6,88,000, 3530 × 160, 5,64,800। अब आप बोलोगे अमित भाई ये लाइन क्यों खींच के छोड़ दी। बाबा भूल गए क्या, मटेरियल में हम लोग हमेशा स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस करते थे। कितना, बोलता है भाई अपन ने 380 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस किया और 20 रुपए पे उसको बेच दिया, कितना हो जाएगा 380 × 20, 7,600। अब आपको जरा ये भी याद होगा कि जब मैं ऊपर से नीचे नॉर्मल आ रहा हूं तो अपन नॉर्मल सीक्वेंस फॉलो करते हैं, पर जब भी रिवर्स कैलकुलेशन पे जाता हूं, जिसको ऐड कर रखा था उसको माइनस कर दो, जिसको माइनस कर रखा था उसको ऐड कर दो, तो 10,26,000 में 7,600 ऐड कर दो, 1,0,3,3,600 मेरा मटेरियल का इनपुट, मैंने जितना मटेरियल डाला है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब जरा आओ यहां पे एमसीक्यू के अंदर, हमारे पास ऐसा कोई भी मटेरियल का इनपुट दे रखा है क्या, 1 तो ना है, सी ना है, डी ना है, बी है हमारा 10,33,600, तो बी हमारा परफेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा ना। हाँ अमित भाई बी तो एकदम डनाडन डनाडन डन आ गया, तो बस बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद हम एक ही चीज बनाते थे, हम क्या बनाते थे, एक अपना बनता था स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट,
पर इस बार हम थोड़ी सी चालाकी करेंगे। क्या चालाकी करेंगे? हमें सबका नहीं बनाना है। क्वेश्चन में किसका पूछा है? वैल्यू ऑफ द लेबर एंड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP का निकालना है और फिनिश्ड गुड्स का बस बताना है। आ जाओ, और बाकी किसी का मत निकालना। तो फिनिश्ड गुड्स का निकाल देता हूँ भैया। मटेरियल कितना यूज किया, लेबर कितना यूज किया, ओवरहेड्स कितना यूज किया, और क्लोजिंग WIP का मटेरियल कितना यूज किया, लेबर कितना यूज किया, ओवरहेड्स कितना यूज किया। ये देखो आपने कितना कितना यूज कर रखा है। ध्यान से अगर आप देखोगे क्लोजिंग WIP में किधर है, किधर है, 100 यूज किया मटेरियल, 20 यूज किया लेबर, 10 यूज किया ओवरहेड। 100, 20, 10, और फिनिश्ड गुड्स में कितना कितना, 3800। चलो 3800, 3800, 3800, डन डन। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे, जो हमारे पास रेट्स गिवन थी कितना, 300, 200, 160। 300, 200, 160। चलो निकाल दो, 100 × 300, 30,000, 4,000, ये आ रहा है आंसर 35,600। और यहां पे निकाल देता हूं 3800 × 300, डायरेक्टली ऐड करो, 300 + 200 + 160 × 3800, 25,08,000। लेकिन अभी रुक जाना, इसको आंसर लिख के मत आना, क्लोजिंग WIP का देखता हूँ। 35,600 दिया है क्या कहीं? क्लोजिंग WIP का, क्लोजिंग WIP का लेबर और ओवरहेड्स पूछता है मेरे से कितना निकाला। लेबर निकाला अपन ने कितना, 4,000, और ये निकाला 1,600। देखते हैं बाबा कहीं दिया है क्या। पहला ही आंसर दे रखा है, इसका तो आंसर 1 हो जाएगा। लो भैया आंसर इज ए। अब मैं इसकी बात करता हूँ, फिनिश गुड्स का वैल्यू आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। आप लोग में से बहुत सारे लोग मेरे को बोलोगे, क्या बोलोगे कि अमित भाई अपने पास आंसर आ गया ना, 25,08,000 रुपीज अपना निकल के आंसर आ रहा है। चलो मैच कर ले क्या? हाँ एक बार मैच कर लेते हैं। 25 लाख तो अपने पास कुछ भी नहीं दिया। देखो बाबा मैंने कुछ गट आ, 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 गाइस 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 एक सेकेंड, 2900 और 500, 3800 नहीं 3400 है। अमित भाई क्या गड़बड़ कर रहे हो, बच्चों को भी गड़बड़ करवा दोगे। 3400, अब चलो 3400 × 660, 22,44,000। चलो 22,44,000, बस बात खत्म। फिनिश गुड जो हमने ट्रांसफर किए हैं बना के, उसकी वैल्यू है इतनी। बताओ कोई दिक्कत किसी को? अमित भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, मस्त। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई यहां तक। अब अपन इस पे आगे बढ़ेंगे, इसका देख लेते हैं आंसर हमारे पास कौन सा दे रखा है। 22 लाख, 22 लाख, 44,000, हमारे पास आंसर इसका हो जाएगा सी। चलो एक बार मैच कर लेंगे, आईसीआई ने क्या करवा रखा है, पहले का डी, डी चलो मेरा मैच किया, दूसरे का ए, ए चलो मेरा मैच किया, तीसरे का बी, बी मेरा मैच किया, फोर्थ का ए और लास्ट का सी। एग्जैक्टली बाबा, एग्जैक्टली मैच करेगा। करेगा क्यों नहीं, आपने बनाया जो इतने अच्छे से। डन, चल डना डन डना डन डन। अब मैं वापस आ जाता हूं एक और तरीके पे, सॉरी तरीका नहीं, एक और क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, रुको मेरे को ओपन करने दो और ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी कहां से है। एमटीपी, एमटीपी का क्वेश्चन, चलो हमें बनाना क्या है इस क्वेश्चन में। यू आर रिकॉर्डिंग वन प्राइम प्राइम कॉस्ट, अरे रे रे रे, कॉस्ट शीट बनाने बोला है, बताइयो भैयो। बोलता है एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है हमारी कंपनी एम लिमिटेड, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन पे नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में प्लान कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेबर इंटेंसिव कंपनी है, बकवास ये है वो है, दिस एंड दैट। बोलती है अर्निंग्स पर मैन शिफ्ट टू मेजर कॉस्ट पेड टू एम्प्लॉय फॉर अ शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स एंड आउटपुट पर मैन शिफ्ट टू मेजर एन एम्प्लॉयज आउटपुट शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स। मतलब बोलता है भैया आदमी को 8 घंटे काम करता है और उसको वेजेस देने के लिए EMS का मेथड है, अर्निंग पर आवर, ठीक है, पर मैन शिफ्ट, और एम्प्लॉय ने प्रोड्यूस कितना किया तो उसको बोलते हैं आउटपुट पर मैन शिफ्ट, ठीक है बाबा। द कंपनी हैज प्रोड्यूस 2,34,000 टन ऑफ आउटपुट,
ठीक है भैया, इतना अपन ने काम किया, रॉ मटेरियल दिया है, पावर कंज्यूम दिया है, डीजल दिया है, वेजेस दिया है, ग्रेच्युटी, हायरिंग, हायरिंग चार्जेस फॉर कार फॉर ऑफिशियल पर्पस, रीइंबर्समेंट ऑफ द डीजल कॉस्ट ऑफ कार, हायरिंग ऑफ द कार अंडर आरसीएम मेथड विदाउट क्रेडिट, मेंटेनेंस कॉस्ट, एएमसी कॉस्ट, टीएडीए, होटल बिल, कंपनी हैज इतना एम्प्लॉइज, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है, व्हाट इज द टोटल एंड पर शिफ्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द लास्ट मंथ, ठीक है बाबा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडमिन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएस एंड ओएमएस फॉर द लास्ट मंथ, मतलब मेरे को सारी डिटेल्स दे रखी है, ये देखना जरा यहाँ पे आके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोलता है अमित भाई कंपनी ने लास्ट मंथ इतना काम किया है, कितना, 2,34,000 टन प्रोड्यूस किए, इसका कंपनी ने कहीं भी डेज के बारे में बात कर रखा है कि अपन को कितने डेज लेने हैं, देख लूं देख लूं देख लूं। देश के बारे में तो कोई भी चर्चा नहीं हो रखी है, ये रही ना, 1800 इंप्लॉयज हैं, 26 दिन को एक महीने में काम करने को मिलते हैं, ठीक है बाबा, आ जाओ स्टार्ट करते हैं, अपने को बनाना है सिर्फ और सिर्फ प्यारी सी छोटी सी कॉस्ट शीट, आ जाओ मैं क्वेश्चन पिक कर लूं और यहां से अपन बनाना स्टार्ट करेंगे, आ जाओ, परफेक्ट। सॉल्यूशन नंबर सेकेंड हमारे पास एमसीक्यू का, आ जाओ, मैंने कॉस्ट शीट में तुम्हें क्या बोला, मैंने बोला कॉस्ट शीट में तुम्हें हमेशा एक फॉर्मेट याद रखना है, कौन सा फॉर्मेट, मैंने बोला डायरेक्ट मटेरियल, उसमें जोड़ दो डायरेक्ट तुम्हारा लेबर, उसमें जोड़ दो डायरेक्ट अगर कोई एक्सपेंसेस है, जैसे ही जोड़ दोगे तुम्हारे पास एक फिगर आती है जिसको अपन बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, परफेक्ट। इसमें अपन कुछ चीज जोड़ते हैं, कौन कौन सी, मैंने बोला सबसे पहले अपन जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, जोड़ दो फैक्ट्री ओवरहेड्स, जैसे ही जोड़ोगे एक अमाउंट आएगी जिसको अपन बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, इसके बाद ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के साथ अपन खेलेंगे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी प्लस कर दो माइनस कर दो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, डन, क्या आ जाएगा मेरे पास, मेरे पास आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, डन अमित भाई कोई दिक्कत नहीं। इसको करने के बाद मैंने आपको बोला अपने पास आएंगे कुछ एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट आईसीआई वाले, कौन सा, एक मैंने बोला था आएगा क्वालिटी कंट्रोल, उसके बाद मैंने बोला था आर एंड डी का कॉस्ट, उसके बाद मैंने बोला अगर मान लो आपकी कोई प्राइमरी पैकिंग है, उसके बाद मैंने आपको बोला अगर कोई आपका एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, और उसके बाद मैंने आपको बोला माइनस कर देते अपन अगर कोई अपना स्क्रैप ऑफ फिनिश्ड गुड्स या बाय प्रोडक्ट बिक रहा था, डन डन। अमित भाई इतनी फटाफट लिख रहे हो तो इसलिए हल्की सी राइटिंग मेरी थोड़ी डाउन जा रही है, वरना अपन तो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग लिखते हैं। इन सबको जैसे ही ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपन क्या करते थे, दो चीजें ऐड करते थे, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी माइनस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, और जैसे ही अपन इतना काम कर देते थे मेरे पास आ जाता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बात खत्म। इसके बाद अमित भाई तीन चार ऐसे आइटम्स थे ना जो अपन ऊपर भूल आए थे, कौन सा, एक था जनरल एडमिन कॉस्ट, ठीक है, एक था अपने पास सेकेंडरी पैकिंग, ओके, और एक था अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इन सबको जैसे ही आप जोड़ोगे आपके पास एक फिगर आएगी जिसको अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओके, हाँ, उसमें अपन क्या करते थे अमित भाई, उसमें अपन जोड़ेंगे अपना एक फिगर प्रॉफिट का, डन, और प्रॉफिट का फिगर जोड़ते ही उसमें माइनस कर देंगे अपनी, अपन आ जाएगा अपने पास सेल्स का अमाउंट, डन, क्या, डन। उसके बाद मैंने बोला आ जाओ बनाना स्टार्ट कर देते जो भी चीजें मेरे को यहाँ पे गिवन है, आओ सबसे पहले मैं देखना स्टार्ट करूंगा मेरे को कौन कौन सी चीजें यहाँ पे अवेलेबल करवा रखी हैं उन्होंने। चल, बोलते अमित भाई अपने पास सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, मैंने बोला कितना दे रखा है, बोलता अमित भाई डायरेक्ट मटेरियल है 50,00,000 रुपए का, डन डन। उसके बाद लेबर, लेबर के बारे में दे रखा है वेजेस एंड सैलरी पेड, लो भैया ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना, वेजेस एंड सैलरी पेड हमेशा अपन ने डिस्कस किया था, अगर वर्ड वेज पहले दे रखा है
मतलब वो डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री वाला कॉस्ट है, मजदूर को दिया जाता है। और अगर सैलरी वर्ड पहले दी होती, मतलब मेरा एडमिन में जो टाई बेल्ट पहन के ऑफिस वाले लोग है ना उनको दे रहे हैं, वो आता मेरा एडमिन ओवरहेड्स में। तो चलो मेरे को दे रखा है भैया कि हमने इनको 6,40,000 रुपए दिए, 6 लाख किधर गया, सॉरी 64,20,000। उसके बाद अमित भाई, अरे 64,20 नहीं, 6,40,00,000 रुपए। उसके साथ साथ गाइज अपने को ये भी दे रखा है कि ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट। तो मैंने बोला था तुमने मजदूरों को जो भी दिया हो 6,40,00,000 रुपए, और मजदूरों को जो भी दे रखा हो 64,20,000 रुपए, तुमने मजदूरों को जितना भी जो भी दे रखा हो सब ऐड कर दो, 6,40,00,000 प्लस 64,20,000, 7,04,20,000 रुपए। मजदूरों को जितना भी दो सब का सब टोटल लिख दो, 7,02,40,000, 7,04,20,000 रुपए। डन डन। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो वाले खर्चे अपने लगते हैं जो डायरेक्ट लेबर भी नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल भी नहीं है, लेकिन जरूरी है बनाने के लिए। इसमें से कौन कौन सा, अपन सब ने पढ़ रखा था पावर, डीजल, ये हमारे पास कौन होते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो पावर बोलता है भैया 13,000 लगाया 8 पर किलोवाट के हिसाब से, तो लो भैया 13,000 के हिसाब से अपन ने लगाया 8 किलोवाट। प्लस बोलता अमित भाई 2,000 लीटर खा गए अपन 93 के रेट पे, 2,000 लीटर खा गए अपन 93 के रेट पे, दोनों को ऐड कर दो, 13,000 × 8 1,04,000, और अपने पास बनता है कितना 2,000 × 93, 1,04,000, 1,86,000, 2,90,000 रुपए। डन डना डन डना डन डन। अब गाइस जरा एक चीज और देखना, क्या हमारे पास हायरिंग चार्जेस पेड फॉर HEMM 30 लाख है एंड इट इज डायरेक्टली यूज इन द प्रोडक्शन। मैंने आपको साफ साफ बोला था भैया, आपको मैंने फर्स्ट अपने लेक्चर्स में ही बता रखा है, जिन्होंने फास्ट ट्रैक ले रखी एग्जामिनेटर उसमें भी और पावर बैच में भी चिल्ला चिल्ला के बोला था, क्या अगर आपने मशीन को हायर लिया और वो कोई अपनी स्पेशल मशीन है, जैसे यहाँ पे नाम दे रखा है HEMM स्पेशल मशीन है कोई, तो उसका खर्चा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और अगर कोई भैया नॉर्मल मशीन है और उसको अपन हायर पे लेके आ रहे हैं तो उसका खर्चा जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंडर। डन डन। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि HEMM मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट मशीन में जाता है, तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। प्लस कितना अपना दे रखा है 30 लाख रुपए, 30, 1, 2, 1, 2, 3। डन डन। तो अपनी टोटल प्राइम कॉस्ट कितनी निकल के आ जाएगी, 50 लाख, 7,02,00,000, 50 लाख प्लस 7,04,20,000, 2,90,000, 30 लाख रुपए, 7,87,10,000 रुपए। चल लिख दो इसको रेड पेन से, 7,87,10,000 रुपए। अब देखे जरा हमसे पूछा था क्या ऐसा कुछ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आंसर हो जाएगा मेरा डी, आंसर इज डी। डन डना डन डना डन डन। चलो अब मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात कर लेता हूँ। चलो आपके पास जो जो मैंने आपको ये भी चीज बोली थी, जो जो चीज होती जाए ना उसको टिक करते हुए चले जाना। अरे बाबा आप कहाँ कम हो गए। हाँ मैंने रॉ मटेरियल डाल दिया, पावर डाल दिया, डीजल डाले, वेजेस, ग्रेच्युटी, HEM डाल दिया। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यहाँ पे, अपना आगे वाला पार्ट बचा हुआ है। बोलते भैया हायरिंग चार्ज पेड फॉर द कार यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, ऑफिस के पर्पस के लिए, तो भैया वो एडमिन में जाएगा। चलो रीइंबर्समेंट ऑफ द डीजल कॉस्ट ऑफ द कार, डीजल कॉस्ट की कार का हमने रीइंबर्समेंट कर दिया, वो भी यहाँ पे नहीं जाएगा। वो भी किधर जाएगा, वो भी जाएगा हमारा, जल्दी से बता दो, एडमिन कॉस्ट के अंदर। चलो डन। उसके बाद देख लेते हैं हायरिंग ऑफ द कार अट्रैक्ट्स GST अंडर RCM बेसिस पे, हमें ही उसके ऊपर टैक्स देना है, हमें कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला। वो भी अपन कहाँ डालेंगे, जल्दी से देखते हैं कौन बताएगा आप लोगों में से। हमने ये वाला क्वेश्चन कर भी रखा था और आप लोगों को बता भी रखा था, भैया टैक्स अगर मेरे को देना है, बोझ मेरे सर पे ऊपर आ रहा है, तो इसको भी मैं डाल दूंगा किस पे, एडमिन एक्सपेंडिचर के ऊपर। डन। चलो 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 चलो, इसके बाद क्वेश्चन में बोलता है कि भैया मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द कार फॉर वेइंग ब्रिज, वेइंग ब्रिज कोई ब्रिज होगा यूज्ड फॉर वेइंग ऑफ द फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच, डिस्पैच के टाइम पे इसको यूज कर रहे थे उसका है, एंड फैक्ट्री प्रीमाइसेस 8,000
एंड 18,000 पर मंथ। बोलता है भैया मैंने एक मशीन लेके आया जिसको वजन करने के लिए यूज करते थे, ठीक है, एक मशीन रखी मैंने डिस्पैच में, उसका कितना कॉस्ट था 8,000, ठीक है वहां चली जाएगी। एक रखी मैंने फैक्ट्री के अंदर, उसका खर्चा कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर। ऐसा डिक्टो क्वेश्चन मैंने आपको कराया, अभी ये क्वेश्चन करते हैं आपको दिखा दूंगा। चलो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर मशीन फॉर वेइंग, चलो कितना 18,000 रुपए अपना, चलो ऐड कर दो प्लस 18,000 रुपए, 7,87,28,000। ओपनिंग WIP कुछ नहीं दिया, क्लोजिंग WIP अपने पास कुछ भी नहीं दे रखा है। अब आ जाओ नॉर्मल फैक्ट्री कॉस्ट, सॉरी नेट फैक्ट्री कॉस्ट 7,87,28,000 रुपीज। उसके बाद मैंने बोला क्वालिटी कंट्रोल, R&D, प्राइमरी, एडमिन और स्क्रैप का खर्चा, इनमें से कुछ भी दिया है क्या? ना दिया ना दिया ना दिया ना दिया, देख लू देख लू देख लू देख लू देख लू, कुछ भी ना दे रखा, ये भी नहीं दे रखा। चलो 7,87,28,000, तो क्या मुझसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछा है क्या? देख लो मेरे से एडमिन कॉस्ट पूछा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, भाई उतना पूछा ही नहीं, तो पूछा ही नहीं तो फिर करेंगे नहीं, टेंशन की बात नहीं। अब आ जाओ ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP नहीं, मैं भी क्या लिख देता हूँ फटाफट में, ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग ऑफ द फिनिश गुड्स, ये भी नहीं दे रखा, तो ये भी हमारे पास फिगर आ जाएगा 7,87,28,000 रुपीज। अब चलो जनरल एडमिन का खर्चा, कौन कौन सा खर्चा इसमें होने वाला है ध्यान से देखते हुए चलना। सबसे पहले भैया मैंने ऑफिस पर्पस के लिए कार ली रेंट पे 66,000, डन। बोलता है रीइंबर्समेंट ऑफ द डीजल कॉस्ट, जो कार मैंने किराए पे ली ना उसका 22,000 रुपए का मैंने रीइंबर्समेंट भी दिया, मैंने बोला चलो दिया कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बोलता है हायरिंग ऑफ द कार पे 5% लगता है टैक्स, जिसका क्रेडिट नहीं मिलता। मैंने बोला अगर तुमने टैक्स अपनी जेब से दिया और वो वापस नहीं मिलेगा वो भी अपन ऐड करेंगे, जहां पे अपन जिस चीज के लिए अपन ने टैक्स दिया वहां पे उसको ऐड करेंगे। अब बताओ आप लोग मेरे को फटाफट से, अपन ने टोटल हायरिंग का खर्चा कितना दिया 88,000, प्लस टैक्स कितना भरूंगा मैं इस पे 5% का टैक्स, 88,000 प्लस 5% का टैक्स, ये आ जाएगा 92,400। और देख लू वेइंग बिल्स तो फैक्ट्री में है, TA, DA एंड होटल बिल फॉर द सेल्स मैनेजर, ये सेल्स का आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 92,400। मैं आपको जस्ट ऐसा एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बोलता है अमित भाई ये देखो ना, हमने सेल्स वाले बंदे को 36,000 रुपए का पैसा दे रखा है कि जा भाई ऐश करके आ, एडवर्टीजमेंट करके आ, तो ये वाला पैसा अपन उसके अंदर डाल देंगे और देखते हैं और किधर क्या कुछ डलेगा। और मेरे पास यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, वेइंग वाला मेरा जाएगा। देखो बोलता है कि हमने जो मशीन ली थी ना डिस्पैच में यूज करने के लिए उसका भी कॉस्ट जोड़ देंगे, कितना मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर वेइंग ब्रिज यूज्ड फॉर वेइंग ऑफ द फाइनल गुड्स एंड आर्टिस्ट 12,000 और ये 8,000, 8,000 हमने ये दिया और 12,000 भैया मेंटेनेंस का खर्चा भी इसी मशीन का पड़ गया, तो कितना टोटल आ जाएगा 36,000 प्लस 20,000 कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 56,000। चलो 56,000। अब अगर देख लेता हूं उन्होंने सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग तो नहीं मांगा, मांगा है बाबा मांगा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग मांगा है, तो अपन दोनों को अलग अलग दिखा देंगे। कई बार क्वेश्चन इन दोनों को साथ में भी दिखाता है, कई बार दोनों को अलग अलग भी दिखाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेलिंग के लिए तो भैया हमने उसको सैलरी दी, कितने की सैलरी दी 36,000 रुपए की, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने 8,000 की मशीन रखी और 12,000 रुपए अपने अपने हमने दे रखे थे भाई साहब को, किस चीज के लिए, उस मशीन को ठीक करने के लिए। तो चलो 7,87,28,000 प्लस 92,400 प्लस 36,000 प्लस 20,000 टोटल आ जाएगा 7,88,76,400। अब देख लेता हूँ मेरे से क्या क्या पूछा भाई ने। बोलता है अमित भाई जनरल एडमिन कॉस्ट बता दो, तो अपन ने निकाला था 92,400, आंसर हो जाएगा ए ऊपर वाले का आंसर, अच्छा ये नहीं निकाला, निकाल लेंगे। बोलता है अमित भाई वैल्यू ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी निकाली अपन ने 7,88,76,400, 7,88,76,400 और सेल्स का खर्चा कितना निकाला, ध्यान से देखो क्वेश्चन ने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का मांगा है, तो सिर्फ 36 पे मत टिक करके आना, 36 प्लस
प्लस 20 सेलिंग भी और डिस्ट्रीब्यूशन भी, तो 56 और 788, 76, 400 आंसर हो जाएगा बी। ऐसे वो लोग ट्रिक करते हैं तुम्हें। चलो अब बोलते हैं अमित भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपन ने कितना निकाल लिया था, टोटल टोटल अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकली थी 7,87,28,000। चलो देखते हैं कहीं लिखा है क्या, इन दोनों में लिख रखा है 7,87,28,000। ये तो हो गया यहां पे, बोलता है पर शिफ्ट भी निकालो। आओ देखते हैं, देखो यहां पे क्वेश्चन में गिवन है कि भाई साहब भाई साहब भाई साहब सुनो ना, आपके पास टोटल 1800 एम्प्लॉयज थे जिन्होंने 26 दिन काम किया, 1800 × 26 मतलब टोटल 46,800 आवर्स काम हुए, जिसको क्वेश्चन आवर की जगह ना मैन शिफ्ट बोल रहा है, उन्होंने आवर्स को मैन शिफ्ट बोलना स्टार्ट कर दिया। तो भैया पर आवर कॉस्ट कितनी निकलेगी, 7,87,28,000 डिवाइडेड बाय 46,800, 1,682.222। आओ जरा देखें यार कहीं दिया है क्या, 1,682.222 आंसर इसका सी हो जाएगा। मतलब इन्होंने इतनी देर काम करी, आवर्स को उन्होंने मैन शिफ्ट बोला और कुछ नहीं बोला। चलो ये भी बन गया। अब बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अर्निंग्स पर मैन शिफ्ट, मतलब कितना उन्होंने अर्निंग्स कमाया, एंड आउटपुट पर मैन शिफ्ट। देखो भाई ये तो साफ साफ पता चल जाएगा उन्होंने टोटल कितना बनाया है, उन्होंने बनाया 2,34,000, इतनी यूनिट्स बनाई उन्होंने। हाँ भाई 2,34,000 यूनिट्स बनाई है ना, और कितने आवर्स थे भैया, 46,800, 2,34,000 डिवाइडेड 46,800, 2,34,000 डिवाइडेड 46,800, 5। मतलब एक घंटे में उन्होंने 5 यूनिट्स बना ली, ठीक है ए या बी में से कोई आंसर होगा। अब देखो उन्होंने टोटल कमाई कितनी करी, 6,40,00,000 रुपए ये तो मिले ही मिले, और 64,20,000 रुपए और मिले थे ग्रेचुटी के, 6,40,00,000 प्लस 64,20,000 डिवाइडेड बाय 46,800, 1,504, इन दोनों को ऐड कर दो आ रहा है कितना, आंसर निकाले 1,504.7 ये आ रहा है आंसर। तो मैं पहले ए लिख ही देता हूँ, इन दोनों को ऐड करने पे आ रहा है 6,40,00,000 प्लस 64,20,000, 6,40,00,000 प्लस ये हो गया 7,04,00,000, 7,04,20,000 यूनिट्स आ रहे रुपए आ रहे थे अपने, 7,04,20,000 रुपए, और कितने घंटे काम किए थे, 46,800 डिवाइड करते मेरे पास आंसर आ जाता पर आवर 1,504.7, ये भी अपना आंसर निकल गया। अमित भाई मतलब ये तो पूरा डिट्टो वही क्वेश्चन था ना, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ इसका हमारे पास, जो कॉस्ट शीट का मैंने अपनी बुक पे सॉल्व करवा रखा है। ओके गाइस, तो मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन दिखाता हूँ हमारी बुक का, क्वेश्चन किधर है किधर है किधर है किधर है, ये रहा और वो क्वेश्चन जो हमने मार्क कर रखा था, किधर गया यार, किधर गया किधर गया किधर गया, वो जीएसटी का एक ही क्वेश्चन था जो मैंने साफ साफ करवा रखा था, 21 21 21 21 21, ये रहा, ये देखो गाइस आरटीपी मई 22 का क्वेश्चन था, मैंने मार्क करवाया था और यहाँ पे साफ साफ हर एक चीज को बता रखा था कि कौन सी चीज कहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट होता। ये देखो ओएमएस भी निकाल रखा था, ईएमएस भी निकाल रखा था। तो हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 22, जिस जिसने क्लासेस ले रखी है उनकी तो मौज है बाबा, अगर मान लो यही क्वेश्चन उठ के आ जाए तो 20 नंबर अभी तक तो आपके डिट्टो मेरी बुक वाले आ गए, और ये ना सिर्फ हमने रेगुलर बैच में बस बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड में भी कवर करवा रखा था। अमित भाई इतनी एक्यूरेसी, अरे हमें पता है ना बाबा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ी सी शाणपत्ती मार सकते हैं ना अपन। चलो आ जाओ गाइस, अब अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं, यहां तक अपने सारे क्वेश्चन हो गए थे, अब अपना क्वेश्चन है ये, आ जाओ क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन के बारे में अब देखते हैं। बोलते हैं भाई साहब अपनी वेज बजट दे रखा है ऑन अ स्टैंडर्ड रिपेयर टाइम ऑफ 30 मिनट्स पर यूनिट, एक यूनिट को ठीक करने के लिए 30 मिनट्स का स्टैंडर्ड आवर्स लगते हैं, स्टैंडर्ड वेज रेट दे रखी है 50 पर आवर की, ठीक है, और ये देखो स्टैंडर्ड आवर्स लगते हैं हाफ आवर पर यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड वेजेस कितनी है, स्टैंडर्ड रेट कितना दे रखा है ₹50 पर आवर, ओके एक्चुअल डेटा दे रखा है हमें बस, और कुछ नहीं दे रखा, और मांगा क्या है एक्चुअल रेट मांगा है, ठीक है। अब देखना गाइस यहाँ पे क्या दे रखा है, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। चलो
मैंने कभी भी आपसे इसीलिए डब्बे बनवाने की ट्राई करी नहीं। लेबर रेट वराइंस, मैंने आपको बोला था रेट वराइंस मतलब कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड होगा। हाँ मतलब हमारी बजटेड रेट या जिसको अपन स्टैंडर्ड रेट बोलते हैं माइनस एक्चुअल रेट। और मैंने बोला था भैया पैसे वाला बोलेगा कि तुमने एक्चुअली में जितने घंटे काम किया ना, मैं उतने घंटे के तुमसे पैसे चार्ज करने वाला हूँ, डन। और यहाँ पे बात कर लेते अपन, एक अपने को दे रखा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस मैंने बोला था भैया वो बात करता है कि तुम्हें कितने घंटे काम करना चाहिए था इतनी यूनिट्स को बनाने के लिए और तुमने एक्चुअली कितने घंटे काम किया। तो ये तो बोलता है भैया आवर्स से रिलेटेड, मतलब तुम्हें कितने स्टैंडर्ड आवर्स लगने चाहिए थे एक्चुअल यूनिट्स को बनाने के लिए और तुमने एक्चुअली कितने घंटे काम किए एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए इन टू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है डन। चलो क्या मेरे को स्टैंडर्ड रेट गिवन है? हाँ गिवन है ना, 50 रुपीज पर आवर। एक्चुअल रेट गिवन है? नहीं गिवन है, छोड़ दो। एक्चुअल आवर्स गिवन है अमित भाई? एक्चुअल आवर्स तो यहाँ पे नहीं गिवन, ठीक है इसको भी छोड़ दो। आओ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। बोलता है अमित भाई अपने को क्वेश्चन में पढ़ो साफ साफ, बोलता है एक यूनिट बनाने के लिए आधा घंटा चाहिए, तो आधा घंटा फॉर वन यूनिट और आपने यूनिट्स कितनी बनाई? 30,000 यूनिट्स। तो ये आ गया ना स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है माइनस एक्चुअल आवर्स कितना ले रखा है? नहीं पता भैया। इनटू स्टैंडर्ड रेट दे रखी है क्या? हाँ दे रखी ना, 50 रुपीज पर आवर। अब देखो जरा क्वेश्चन में यहाँ पे बता रखा है साफ साफ कि अमित भाई इसका मतलब है ये जीरो दे रखा है, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ ये हो जाएगा 15,000 माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू 50 इज इक्वल टू जीरो। हाँ अब देखो क्या मैं 15,000 माइनस एक्चुअल आवर्स को लिख सकता हूँ? जीरो डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू जीरो, नीचे ले जाओ। हाँ तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या कि एक्चुअल आवर्स इज इक्वल टू 15,000? बताओ बताओ, 15,000 आवर्स एक्चुअली निकल के आ गए क्या? इसको उठा के इस साइड ले आया था। हाँ अमित भाई निकल के तो आ गया ना। अब देखो डन, जादू यहाँ पे, क्या आपका एक्चुअल आवर्स निकल के आया 15,000? हाँ भाई निकल के आया ना। और क्वेश्चन में दे रखा है मेरे को कि क्या है ये 7,500। गाइस ध्यान से सुनना, एडवर्स तो मैं नेगेटिव लिखूंगा 7,500। बताओ किसी को कोई दिक्कत क्या? भाई कोई दिक्कत नहीं, यहां तक एडवर्स हमेशा नेगेटिव पे लिख के आएंगे। चलो अब आगे बढ़ जाओ, 50 माइनस एक्चुअल रेट क्या हो जाएगी? मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकते हैं? इज इक्वल टू 7,500 नेगेटिव डिवाइडेड बाय 15,000। हाँ बोल सकते हैं ना, 50 माइनस एक्चुअल रेट इज इक्वल टू, बोल सकता हूँ क्या? नेगेटिव 0.5। हाँ बोल सकते हैं ना। तो एक्चुअल रेट मेरी निकल के आ जाएगी, हाँ 50 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 50.50। हाँ निकल के आ जाएगी। और क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरे से? क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल रेट ऑफ वेजेस। आप लोग फटाफट से इसको 50 टिक करके आ जाओगे, जो कि गलत है। पूछा है पर यूनिट बाबा, और ये जो तुमने निकाला है एक्चुअल रेट, ये तो पर आवर था ना, हम अभी तक लेबर रेट की बात कर रहे थे, तो ये लेबर का रेट आया होगा। हाँ अब देखो, अब देखना ध्यान से, टोटल कॉस्ट फॉर 1 आवर कितना है अमित भाई? 50.50। अब देखो मेरे को टाइम रेट को यूनिट रेट में बदलने बोल रहा है, दो कंसेप्ट एक साथ पूछ दिए। क्या मैंने आपको कभी सिखाया था कैसे बदलेंगे टाइम रेट को यूनिट रेट में? बोलता है भैया 1 घंटे का 50.50 रुपए है, ठीक है। इन 1 आवर वी मेक कितना यूनिट्स? बोलता है वी मेक, क्वेश्चन में दिया है वी मेक 1 यूनिट इन हाफ आवर, आधे घंटे में बनाते हो, ठीक है। इन 1 आवर कितनी यूनिट बना लोगे अमित भाई? आधे घंटे में 1 यूनिट, तो 1 घंटे में 2 यूनिट बन जाएंगे। हाँ क्या मैं ये नहीं बोल सकता अगर 1 घंटे की कॉस्ट तुम्हारी 5.5 है और 1 घंटे में तुम 2 यूनिट बनाते हो, तो कैन आई से 2 यूनिट्स का रेट? देखो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 1 घंटे का कॉस्ट है 50.50, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या कि 2 यूनिट्स का कॉस्ट है
50.50 एकदम बोल सकते हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50.50 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 25.25। डन क्या? हाँ अमित भाई, डन, डना डन डना डन डन। तो आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी, 25.25। डन डन। अब यहाँ पे देखो, ये है सबसे पहले वाले चैप्टर का और हमारी सबसे पहली क्लास का जो मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखी थी। बोलता है अमित भाई 50% पे देखना, 50% एक्टिविटी पे मेरी कॉस्ट लगती है 30 लाख, ठीक है, तो 1% पे कितनी लगनी चाहिए? अमित भाई 30 डिवाइडेड बाय 50, अगर ये पूरी की पूरी मेरी वेरिएबल कॉस्ट होती, ठीक है, तो 75% पे कितनी लगनी चाहिए थी? 30 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 75। देखो जरा, 30 डिवाइड बाय 50 इंटू 75, 45 लगनी चाहिए थी। हाँ, पर क्या 45 लगी है क्या तुम्हारी? नहीं अमित भाई, इसका मतलब क्या है दया? पूरी इंडिया जानती है ना कि मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर मेरी कॉस्ट बढ़ रही है पर एग्जैक्टली उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रही है जिस प्रपोर्शन में बढ़ना चाहिए पर यूनिट वाले में, तो ये क्या हो जाएगा? मेरी हो जाएगी ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और सेमी वेरिएबल को मुझे वेरिएबल और फिक्स्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है। हाँ अमित भाई, करना पड़ता है ना, तो आ जाओ इसको मैं सबसे पहले निकालूंगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकलती थी अमित भाई? ये निकलता था डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स, ठीक है। कॉस्ट में डिफरेंस कितना है? 40 लाख माइनस 30 लाख। और परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? 75% माइनस 25%। तो चलो 10 लाख हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा तुम्हारा 25% के लिए। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 लाख डिवाइड बाय 25%, 1% की वैल्यू हो जाएगी 40 लाख। बताओ, सॉरी 40 लाख नहीं, 40, 10 लाख डिवाइडेड बाय 25, 1000। बताओ 1% की वैल्यू निकल के आ गई। हाँ, आ जाओ अब जरा फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं। मैंने फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए क्या बोला था? मैंने फिक्स्ड कॉस्ट का तरीका आपको बता रखा था कि देखो अपने तरीके से आते हैं। मैंने बोला भैया एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट? हाँ भाई, बोल सकते हो ना। चलो किसी भी एक लेवल को पकड़ता हूँ, 40,000 की मेरी कॉस्ट लग रही है जब मैंने कितने यूनिट्स पे, मैं 50% लेवल पे बना रहा था, ओके, और फिक्स्ड कॉस्ट पता नहीं। 50% लेवल पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी थी अमित भाई? 30 लाख रुपए थी, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ 30 लाख इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा 20 लाख प्लस फिक्स्ड कॉस्ट? और क्या मैं बोल सकता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 30 माइनस 20, 10 लाख रुपए? हाँ, अब आपको वेरिएबल कॉस्ट भी पता चल गई और फिक्स्ड कॉस्ट भी। तो आ जाओ गाइस, टोटल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 60% का लेवल क्या हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। आओ, वेरिएबल कॉस्ट को मैं लिख सकता हूँ 40,000 इंटू 60, और फिक्स्ड कॉस्ट मेरी 10 लाख, ये आ जाएगा 24 लाख प्लस 10 लाख, 34 लाख रुपीज। आंसर आंसर हो जाएगा मेरा बी वाला पार्ट। ये सिंपल सिंपल, बस मेरे को कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में ब्रेक करने बोल रहा था। डन गाइस, डन। अब आ जाओ जीरो बेस्ड बजटिंग। मैंने पढ़ा रखा है कि बाबा जीरो बेस्ड बजटिंग मतलब आप अज्यूम कर लो कि भैया मैं एकदम नई कंपनियों में जीरो से शुरू करना चाहती हूँ और नया बजट बनाना चाहती हूँ, ठीक है। हाँ, उसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। भूल जाओ कि तुम पहले से काम कर रहे हो, तुम एकदम एक नई कंपनी हो और तुम शुरू से अपना बजट बनाना चाहते हो, ऐसा बजट को बोलेंगे जीरो बेस्ड बजटिंग। आ जाओ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ट्रू नहीं फॉल्स। इट इज अ मेथड ऑफ बजटिंग वेयर ऑल एक्टिविटीज आर री इवेल्युएटेड ईच टाइम अ बजट इज फॉर्म्ड। हाँ, हम वापस से जीरो से शुरू करते हैं। इट अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट द अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। हाँ, मैं जीरो बेस्ड बजटिंग में जो भी मेरे बेमतलब के खर्चे उसको हटाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं शुरू से बजट स्टार्ट करता हूँ कि भैया जो खर्चा दिखेगा उसको उड़ा दूंगा। इट रिक्वायर्स दैट बजट आर बिल्ट अप फ्रॉम द स्क्रैच, एकदम सही बात है। बचा कौन सा आंसर? सी, इट इज द लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग। नहीं, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि तुम्हें शुरू से बजट बनाना पड़ता है, इसीलिए जीरो बेस्ड बजटिंग में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। आंसर होगा इसका सी। चलो, इसका आंसर सी था, इसका आंसर बी था। अब ये देखते हैं, बोलते हैं अमित भाई फॉलोइंग डाटा दे रखा है आपने को, मेरे को बताओ बस्टेड ओवरहेड दिया, मशीन आवर दिया, एक्चुअल मशीन आवर दिया, एक्चुअल ओवरहेड दिया। अब देखो गाइस, मैं क्या तुमसे बोल रहा था,
बजेटेड ओवरहेड कितना दिया है अमित भाई? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5,25,000। ठीक है, बजेटेड आवर्स कितना दे रखा है अमित भाई? 17,500। अब बताओ ओवरहेड्स वाले चैप्टर में बजेटेड रिकवरी रेट तुम्हारा कितना हो जाएगा? मैंने सोचा था भैया 5,25,000 का खर्चा लगेगा, 17,500 यूनिट्स बनाऊंगा, एक यूनिट से 30 रुपए पर आवर, सॉरी पर आवर मैं रिकवर कर लूंगा 1 घंटे से। ठीक है, अब देखना एक्चुअल रिकवरी तुम्हारी कितनी हो पाई। मैंने रिकवर किया ना भैया, मैंने 17,040 घंटे काम किया और 1 घंटे का 30 रुपए मांग लिया, मतलब मैंने 5,11,200 रुपए मांग लिए। ठीक है, और तुम्हारा एक्चुअली में ओवरहेड्स हुआ कितना भैया? अपना एक्चुअल खर्चा जो मेरे सिर पे आया ना, वो आया 5,20,000 रुपए माइनस 5,20,000, मतलब 8,800 रुपए तुम नहीं मांग पाए बाबा, नुकसान हो गया, पूरा का पूरा नुकसान हो गया। तो ये हो जाएगा मेरा 8,800 अंडर रिकवर्ड, मतलब इतना पैसा मैं नहीं मांग पाया। इसका आंसर होगा बी। ये भी डायरेक्ट मैंने इसको सॉल्व करवाया था आराम से, अंडर और ओवर रिकवरी हेड बहुत बेसिक टॉपिक पे करवाया था। और अगर आप आज भी मेरे नोट्स खोल के देख लो, सबसे पहले पेज पे ये ब्रेकअप वेरिएबल और फिक्स्ड का मैंने दे रखा है, सबसे पहले पेज पे। ये भी अपनी बुक का है। जीरो बेस्ड बजटिंग की थ्योरी भी जब मैंने आपको पढ़ाई तो साफ साफ बताया था इसमें स्क्रैच से बनाता हूँ। डन डन। अब मैंने आपको बता रखा है, जल्दी से देखो, ये है हमारे बैच कॉस्टिंग वाले चैप्टर से क्या बता रखा है। बोलता है अमित भाई मैं साल भर में 80,000 कैप्स बनाता हूं, ठीक है, उन कैप को होल्ड करने की इन्वेंट्री कॉस्ट, क्या इसको मैं कैरी कॉस्ट भी बोल सकता हूं? हाँ, कैरी कॉस्ट 1 रुपए लगती है पर कैप पर मंथ। ठीक है, अभी अपन आगे देखेंगे। और सेटअप कॉस्ट लगती है भैया 3,500 पर रन। एक बात बताओ, मैंने इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के लिए आपको बता रखा था भैया रूट अंडर, ये जस्ट है इसकी तरह इन्वेंट्री की तरह, रूट अंडर 2AOC। यहां लिखते हैं अपन रूट अंडर 2 × एनुअल कंजम्पशन, पूरे साल भर की कंजम्पशन, इंटू अपन लिखते हैं सेटअप कॉस्ट पर रन। हर रन पे तुम्हें कितना सेटअप कॉस्ट लगता है, डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट या फिर कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट लिखते हैं अपन पर यूनिट पर एनम पूरे साल का। तो देखो भैया कितना आसान हो जाएगा, हमारे पास टोटल लग गई 2 × 80,000, हाँ, इंटू भैया कितना सेटअप कॉस्ट है, 3,500 रुपए पर रन दे रखा है, और दे रखा है 1 रुपए आपको लगता है पर यूनिट पर मंथ, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 × 80,000 × 3,500 डिवाइडेड बाय 12 कर रूट अंडर, आंसर आ जाएगा मेरे पास 2 × 80,000 × 3,500 डिवाइडेड बाय 12, जो कि हो जाएगा हमारे पास 68, चल बाबा 6831.7 के आसपास, जिसको अपन लिखेंगे 6832 यूनिट्स। डन। हाँ भाई डन। अब देखो गाइस क्या होने वाला है, 6832 ये मेरे पास हो जाएगा ऑप्टिमम रन्स की, भैया मुझे कितनी बार, एक बार अगर मैं रन करूंगा, एक बार मशीन को चलाऊंगा तो कितने यूनिट्स बनेंगे देखना। टोटल यूनिट्स आपको कितनी चाहिए अमित भाई? टोटल यूनिट्स अपने को चाहिए 80,000, और पर रन में आप कितनी निकाल ले रहे हो, 6832, तो आपको कितनी बार मशीन चलानी पड़ेंगी, आओ जरा देखें। टोटल डन मेरा कितना हो जाएगा, 80,000 मेरे को चाहिए डिवाइड बाय 6832, मतलब मुझे 11.71 टाइम्स मशीन चलानी पड़ेगी, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि अमित भाई मेरे को 12 बार मशीन चलानी पड़ जाएगी। डन। क्या डन? ऐसा थोड़ी होगा कि आप 11 बार चलाओगे और 0.7 बार आधी सी चला के छोड़ दोगे, चलानी तो पूरी टाइम्स पड़ेंगी ना, तो 12 अपने पास आंसर आ जाएगा, तो आंसर विल बी 12A। चलो अब मैच कर लेंगे आईसीआई से, आ जाओ। आईसीआई ने सबसे पहले 3 का आंसर डाला है डी। लो बाबा 3 का आंसर अपना डी हो गया, परफेक्ट। 4 का आंसर इन्होंने डाला है बी, परफेक्ट। 5 का आंसर डाला है सी, परफेक्ट। 6 का आंसर डाला है बी, परफेक्ट।
सेवन का आंसर डाला है ए, परफेक्ट। गाइस मेरी बात सुनो, अगर मेरे को अभी मोटा मोटी हो गए एक घंटे के आसपास, एक घंटे में सारे क्वेश्चन को आपको समझा के एमसीक्यूज को सॉल्व करने में मुझे लग गए एक घंटे, मतलब अगर मैं इस स्पीड से समझाता हुआ क्वेश्चन सॉल्व करूं तो मुझे 3 घंटे के अंदर अंदर 90 मार्क्स मेरे सॉल्व हो पाएंगे। पर गाइस आपको वहां पे बैठ के किसी को समझाना थोड़ी है जो इतनी इतनी देर तक आप समझाओगे। मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है एमसीक्यूज जो मुझे एक घंटे लगे अगर मैं समझाने का टाइम साइड भी कर दूं, तब भी मेरे हिसाब से आप लोगों को ऑन एन एवरेज 40 से लेके 45 मिनट्स तक मैक्सिमम टाइम लग जाएगा जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगना चाहिए। एमसीक्यूज को 30 नंबर, अब सोचो 30 नंबर आपके 45 मिनट्स में हो गए, 70 मार्क्स बचे और मेरे पास टाइम बचा है मोटा मोटी 130 से लेके 140 मिनट तक। अगर मान लो मैं 140 मिनट की भी बात मानता हूं और 70 मार्क्स अटेम्प्ट करने, एक नंबर के लिए हो गए 2 मिनट का मेरे पास टाइम। तो ऐसे अपनी स्पीड अपन बढ़ा सकते हैं। मैंने तो इतना समझाया आपको तब जाके मुझे एक घंटा लगा, चलो मैं 50 मिनट भी मान लो आपको लग जाएंगे, तब भी अपने पास 70 मार्क्स के लिए 130 मिनट होंगे। 130 डिवाइड बाय 70, 1.85 मिनट्स एक नंबर के क्वेश्चन के लिए होने वाले हैं, जो कि अब देखेंगे अपन कैसे कैसे आने वाले हैं। ये था अपना एमटीपी कॉस्ट का 1 का पहला पार्ट, जिसमें मैंने सारे एमसीक्यूज आपको कवर करवा दिए और ये भी कवर करवाया कि भैया हमारी क्वेश्चन से वो कहां कहां से आ रखे थे। डिट्टो 30 के 30 नंबर के क्वेश्चन एमसीक्यूज मेरी बुक से आ रखे हैं जो मैंने आपको दिखाया। अमित भाई मैं अपनी बुक का क्या नाम लूं, मैंने अपनी बुक भी तो प्रीवियस ईयर आरटीपीस एमटीपी से बना रखी थी। तो मेरे जिस जिस भाई ने अपनी मेरी या तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच, या तो मान लो मेरी रेगुलर बैच, या फिर जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट डालूंगा वो भी देख रखी होगी, उसमें भी ये सारे पार्ट अपने कवर थे। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग मजा तो ये देख के आया कि जो सबसे पहला लेक्चर मैंने इंट्रो का वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को बाइफरकेट करना सिखाया था, उस पे भी 2 मार्क्स का नंबर आ ही गया। सोचो अगर आपने मेरे से पढ़ रखा है तो 30 नंबर तो आपके कॉस्ट में कहीं नहीं गए। लो मैंने क्या बोला था, मैं पूरी डिटेल में जाके आपको पढ़ाता हूं ताकि एक भी नंबर ना कटे। सोचो 30 में से अगर तुम कितनी ही गड़बड़ करके भी आ जाओगे तब भी तुम्हारे 28, 26, 25 इस तरह के नंबर आ सकते हैं। सोचो ऑलरेडी आपका 30 में से 25 नंबर आ गया है। जो लोग पास पास के लिए रोते हैं उन्हें 70 में से 15 नंबर लाने, जो एग्जेम्पशन के लिए सोच रहे हैं उन्हें सिर्फ 70 में से आधे नंबर 35 नंबर लेके आने, आपकी एग्जेम्पशन डन हो जाएगी। जो और का सोच रहे हैं बाबा एक बात बताओ, आप आराम से 70 में से 40, 45, 50 इतना तो ला सकते हो ना, सोचो आपके कितने अच्छे नंबर बन जाएंगे। और क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कंसेप्ट पे फोकस करके, चलो पहले दिन से चिल्ला रहा हूं कंसेप्ट पे फोकस करोगे तो सब कुछ बनेगा। हाँ जी अमित भाई, तो गाइस हमारा पहला पार्ट ये था जिसमें हमने सारे एमसीक्यूज कवर किए। अब मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊंगा जिसमें हम सारे क्वेश्चन जो हमारे पास आए उसको आराम से एक एक करके खत्म करेंगे और देखेंगे कि क्या वो भी मेरी क्वेश्चन बैंक के हैं या नहीं है। ओके गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने ये यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया है तो बाबा कर लो, क्योंकि मैंने आपको हाथों हाथ दिखा दिया जो भी पढ़ा रहा हूं, डिटेल में पढ़ा रहा हूं, बुक से पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन भी वहीं से उठ के आ रखा है। नए अटेम्प्ट का क्वेश्चन सोचो मैंने आपको सारी अपनी बुक से मैच करवा दिया। डन क्या, डन। तो गाइज अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी एग्जाम्स तक बहुत कंटेंट आने वाले हैं, वीडियोज, एमटीपी, एमसीक्यूज, आरटीपी, मैराथन, सब कुछ आपको, आपके लिए फ्री गिफ्ट्स भी मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करा रखे हैं फास्ट कॉस्ट FM by AB पे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैंने अपने कलर्ड क्वेश्चन बैंक और हमारी कलर्ड नोट्स, कलर्ड क्वेश्चन बैंक देखना चाहोगे ये देखो, इतने प्यारे तरीके से कलर्ड करके पूरी क्वेश्चन बैंक हमने बना रखी है। अरे सिर्फ एक कलर में ना है, ये देखो ये दूसरा कलर स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये देखो ये तीसरा कलर, उसके बाद ये चौथा कलर, उसके बाद अगर आप वॉल्यूम 2 पे आओगे ये देखो, और ये क्वेश्चन बैंक मैंने फ्री में आपके लिए अपलोड कर रखी है। इसी के साथ साथ आपको दिखा दूं हमारे ये कलर्ड नोट्स हर एक चैप्टर के, ये देखो अगर मैं किसी भी चैप्टर्स को उठा लूं, चलो मटेरियल कॉस्ट के कंसेप्ट नोट्स को उठा लूं, आ जाओ, ये देखो हमारे कलर्ड हैंड रिटन नोट्स, ये भी ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए जा चुके हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बाबा अगर आप कॉस्ट FM में अपने ड्रीम मार्क्स, एग्जेम्पशन तो मैं सोचता ही नहीं, ड्रीम मार्क्स चाहिए
तो अमित भाई को फॉलो करो, क्योंकि इस पूरे अप्रैल के महीने में बहुत कुछ आने वाला है बाबा। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बोलो वो भी सब्सक्राइब करें, उनके साथ शेयर करो, और अगर मजा आया है तो कमेंट्स में जरूर लिखना कि अमित भाई मजा आ गया एमटीपी सीरीज देख के। ओके, अभी बहुत सारी सीरीज आपके लिए आने वाली है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए।